हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, यू आर राइट। इन दिस वीडियो वी आर गोना अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल प्रोसेस ऑफ हियरिंग। हमें कोई भी साउंड, कोई भी आवाज किस तरह से सुनाई देता है, आज इस वीडियो में हम वो सीखने वाले हैं। हम अगर मैं आपको हेलो बोल रहा हूँ तो आपके कान तक हेलो का साउंड जाके आपका दिमाग भी उस वर्ड को हेलो ही इंटरप्रेट करेगा। यस, तो इन दिस वीडियो वी आर गोना अंडरस्टैंड हाउ वी हियर समथिंग और हमारा ब्रेन उस साउंड की फ्रीक्वेंसी को, साउंड के वाइब्रेशन को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है। कम ऑन, लेट्स बिगिन। जस्ट टू बिगिन विद द प्रोसेस, साउंड को पास होने के लिए, साउंड ट्रैवल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज का यूज करता है, विच इज कॉल्ड एज मटीरियल मीडियम। व्हाट इज मटीरियल मीडियम? ये कुछ भी हो सकता है, जैसे एयर हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, या तो सॉलिड भी हो सकता है। तो कुछ भी इस तरह की चीज को हम मीडियम बोलते हैं, ठीक है। अभी ये जो है हमारे अर्थ के पास में एटमोस्फियर है, इसलिए हमारे अर्थ के पास में एयर का मीडियम है, ठीक। लेकिन मून पे या मार्स पे इनके पास में मीडियम नहीं है, वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो वहां पे तुम कितना भी चिल्ला लो, सामने वाले के कान में कभी आवाज नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे साउंड को कैरी करने के लिए मीडियम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। देखिए, लेट्स गेट बैक टू द अर्थ। अर्थ के पास में मीडियम है, मतलब एयर है। अभी यहाँ पे हर जगह एयर है ना, एयर के पार्टिकल्स है जो हमारी नेकेड आई से दिखते नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करते, ठीक है। तो जब भी मैं कुछ बोलूंगा तो यहाँ पे सारे एयर पार्टिकल्स अभी रैंडमली मूव कर रहे, ट्रैवल कर रहे। तो ये जो एयर पार्टिकल्स है उनको चैनलाइज करते हैं थोड़ी देर समझने के लिए। लेट्स कंसीडर कि काफी सारे लेयर्स हैं यहाँ पे एयर पार्टिकल्स के, ठीक है। ये सारे लेयर्स क्या बिहेव करेंगे? कम, जब भी मैं कोई वर्ड बोल रहा हूं तो ये वर्ड की वजह से सबसे क्लोजेस्ट लेयर जो मेरी मुंह के जस्ट नजदीक में है, उस लेयर को पुश मिलेगा। हाँ, उसको हम प्रेशर देंगे। तो जैसे ही मैं उसको प्रेशर दूंगा, ये लेयर उसके पीछे वाले लेयर को प्रेशर देगा, उसके पीछे वाले लेयर उसके पीछे वाले लेयर को प्रेशर देगा, और ये उसके पीछे प्रेशर देगा। इस तरह से प्रेशर होता 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 हुआ तुम्हारे कान तक आएगा। लेकिन जब भी हम कोई वर्ड बोल रहे तो हम आगे प्रेशर दे रहे, ठीक है, कंप्रेस कर रहे। और जब भी हम यहां से कोई भी वर्ड के बीच में पॉज लेते हैं तो वहां पे हम उस प्रेशर को रिलीज कर रहे, तो कंप्रेशन दे रहे और रेफ्रेक्शन दे रहे। हाँ, व्हाट इज रेफ्रेक्शन? प्रेशर को रिलीज करना इज कॉल्ड एज रेफ्रेक्शन, प्रेशर देना व्हिच इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम दो साउंड को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो और वर्ल्ड के बीच में हमें डिस्टिंग्विश कैसे हुआ? क्योंकि बीच में रेफ्रेक्शन था। हाँ, हेलो में कंप्रेशन था और वर्ल्ड में कंप्रेशन था, बीच में जो था वो रेफ्रेक्शन था, इसलिए हम उसको डिस्टिंग्विश करते। कम ऑन, ये तो सारी सुपरफिशियल चीज है, किस तरह से ये साउंड आ रहा है। तो ये दो साउंड है, हेलो और वर्ल्ड, ये तुम्हारे कंप्रेशन के थ्रू सारे लेयर कंप्रेस होके तुम्हारे कान तक आ गए। यहाँ पे भी तो लेयर्स है ना एयर के, अभी ये वाइब्रेशन होता 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 हुआ तुम्हारे कान के अंदर जाएगा। कान में सबसे पहला पार्ट होगा जिसको हम ईयर कैनल बोलते हैं। तो ये कैनल के थ्रू साउंड जाएगा, फिर हमारे कान के अंदर पर्दा होता है, ईयर्स, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम इस बेसिकली ये कोई फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वाइब्रेट करता है। कैसे? हर वर्ड की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, ए की अलग फ्रीक्वेंसी होगी, बी की अलग फ्रीक्वेंसी होगी, इसके हिसाब से ये अलग अलग अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन करेगा। अभी ये वाइब्रेशन जो हो रहा है ईयर ड्रम का, वो तीन बोन्स के पास जाता है। ये तीनों बोन, हैमर बोन, एक इसमें जो पहले वाला बोन है उसको हैमर बोन बोलते हैं, ये तीनों बोन इस साउंड को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। मतलब हल्का सा भी साउंड होगा ना तो ये उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देंगे ताकि हमें और अच्छे से सुनाई दे। यस, तो ये तीनों बोन एक दूसरे के साथ में वाइब्रेट कर करके यहाँ पे साउंड को एम्पलीफाई करते हैं। फिर इसमें जो लास्ट वाला बोन है वो बार बार कोलाइड करता है किससे? कॉकलिया से। ये जो कॉकलिया है वो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर, उसमें फ्लूइड भरा हुआ था और हेयरी स्ट्रक्चर होता है, अंदर कुछ बाल जैसा होता है। अभी इसमें लिक्विड होता है और इसमें बाल होते हैं, तो क्या होगा, ये जो हेयरी स्ट्रक्चर है ना, जैसे ही वो वाइब्रेशन जा रहा है कब से कोक्लिया के पास में, तो अंदर पूरा लिक्विड में वेव जनरेट होता है। अभी ये वेव जो भी जनरेट हुआ, उस वेव की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारा ब्रेन उस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ना, यस, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर वाइब्रेट करेंगे वो लिक्विड के अंदर, और वाइब्रेशन की वजह से हमारा साउंड वेव जो मैकेनिकल वेव है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जाएगी। हमारे ब्रेन को उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करके साउंड सुनाई दिया है। कम ऑन, डिड यू अंडरस्टैंड?